हाँ जी, कैसे हैं आप सब। हम इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपने नए चैप्टर की तरफ, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की बात करने वाले हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपका नेशनल इनकम आपके दो चैप्टर्स को मिला के बनता है। पहला चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। एंड मैं आपको बैट कर रहा हूं कि इससे इजी चैप्टर आपके लिए मैक्रो में नहीं हो सकता, ठीक है? ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बट आप प्लीज जाके सब्सक्राइब तो करो चैनल को, तभी तो आपको पता चलता रहेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैनल आपके लिए अब, ठीक है? तो बात करते हैं सबसे पहले नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की। सर, ये नेशनल इनकम क्या है, ये नेशनल इनकम होती क्या है, पहले ये तो बताओ बेटा। सब कुछ बताएंगे आपके लिए, आप देखो तो सही। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। क्या बात कर रहे हैं, फैक्टर इनकम, द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है, अर्नड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो द नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमारी वही फैक्टर इनकम है जो नॉर्मल रेजिडेंट ने एक अकाउंटिंग ईयर में अर्न की है। सर, क्या होते हैं हमारे फैक्टर इनकम, ये बताओ पहले। बेटा, आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में, अगर हम क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं, तो दो लोग हैं, एक है फर्म्स, दूसरे हैं हाउस होल्ड। सो बस उसी के रिगार्डिंग उतना ही सोच के आपको सीधा समझना है इस बात को। कह रहा है जो फर्म्स हैं, यानी हमारी जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, जो पेमेंट्स कर रही हैं किसको, हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड सेक्टर को, जो हमारा दूसरा सेक्टर है ना, हाउस होल्ड सेक्टर, उसको पेमेंट कर रही हैं। कौन है ये, ओनर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं हम इन्हें। क्या बोलते हैं, ओनर ऑफ प्रोडक्शन। सो द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स यानी फर्म्स, जो हाउस होल्ड यानी ओनर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट्स कर रही हैं फॉर फैक्टर सर्विसेज, किसके लिए, फैक्टर सर्विसेज के लिए, उन्हें ही बोला जाता है हमारी फैक्टर इनकम। सो कह रहा, पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स यानी फर्म्स टू हाउस होल्ड, जो है ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर द यूज ऑफ फैक्टर सर्विसेज, वही मेरी बन गई मेरी फैक्टर इनकम। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है, तो अच्छी बात है ना, आगे लो फिर। अब बात करते हैं ये फैक्टर इनकम्स, या जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं यार, चार चीजों के लिए। पहला है मेरा कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, दूसरा है मेरा रेंट, तीसरा इंटरेस्ट, एंड फोर्थ इज प्रॉफिट। सर, ये क्यों दिया जाता है बेटा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज फॉर उनके वर्क के लिए दिया जाता है, ठीक है, उनकी जॉब जो उन्होंने किया है, यानी वेजेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। रेंट, अगर फर्म ने हमारी, एज एन हाउस होल्ड बात कर रहा हूं, हमारी लैंड को यूज किया है, तो लैंड को यूज करने के लिए हमें फर्म क्या दे रही है, रेंट दे रही है। अगर एज ए हाउस होल्ड मैंने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, फर्म ने हमारी कैपिटल को यूज किया है, सो उसके लिए जो फर्म्स हमें इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है, वो इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। सर, प्रॉफिट, हमारी स्किल्स के लिए, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के लिए जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, उस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। सो फैक्टर इनकम की अगर हम बात करते हैं, या फैक्टर पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो चार टर्म्स में है। वन इज मेरा कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, सेकंड वन इज मेरा रेंट, थर्ड इज इंटरेस्ट, एंड फोर्थ इज प्रॉफिट। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज जॉब वर्क यानी वेजेस के लिए बात कर रहा हूं, रेंट मेरे यूज ऑफ लैंड की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट अपने कैपिटल के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, और प्रॉफिट मेरी स्किल्स के लिए बात कर रहा हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आगे चलिए। सर, एक इनकम होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। सर, ये फैक्टर इनकम से कैसे अलग है, प्लस ये है क्या, पहले आप ये बताओ बेटा। ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो पर्सन ने रिसीव किया है एज एन हेल्प, डोनेशन या चैरिटी। आई बात समझ में? तो कह रहा है इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज हेल्प, डोनेशन और चैरिटी, मतलब मैंने उसको अर्न नहीं किया है, मुझे वो पैसा किसी ने दिया है, ठीक है, तो वो उस पर्सन की फैक्टर इनकम है, तो मेरे लिए वो मेरी ट्रांसफर इनकम है। आई बात समझ में? ट्रांसफर इनकम क्या है, इनकम अर्नड बाय अ पर्सन एज हेल्प, चैरिटी, डोनेशन एक्सेट्रा, इसे हम अर्नड इनकम भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने इसे अर्न नहीं किया है। क्या है ये, मेरी अर्नड इनकम। और फैक्टर इनकम मेरी बन जाती है अर्नड इनकम, जिसके लिए मैंने एफर्ट्स किए हैं, ठीक है। मैंने कंपनसेशन अगर लिया, तो मैंने अपना काम किया होगा, मैंने अगर रेंट लिया, तो मैंने अपनी लैंड दी होगी,
मैंने अगर इंटरेस्ट रिसीव किया तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉय की होगी, और अगर मैंने प्रॉफिट रिसीव किया तो मैंने अपने स्किल सेट को यूज किया होगा, बट ऐसा ट्रांसफर इनकम में नहीं है, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो मुझे एज एन हेल्प डोनेशन या फिर चैरिटी के रूप में मिला है, जिसलिए हम उसे बोलते हैं अनअर्नड इनकम। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये भी बात समझ आ गई। सर अब ये बता दो कि मेरे नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं? बेटा नॉर्मल रेजिडेंट यार जो हमारे देश में या किसी भी कंट्री में एक साल या उससे ज्यादा रहते हैं, एंड उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है उस कंट्री में। क्या रहा है? नॉर्मल रेजिडेंट फर्स्ट, हु इज ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। टू फोल्ड है, दो बातें बोली गई हैं, एंड वर्ड यूज हुआ है हमारा, एंड वर्ड यूज हुआ है, दोनों के लिए बात कर रहा हूं कि वो एक साल या उससे ज्यादा उस कंट्री में रहा हो, सेकंड उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता हो उस कंट्री में। आई बात समझ में? वो बन जाता है मेरा नॉर्मल रेजिडेंट। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात तो समझ आ गई है और बहुत अच्छे से आ गई है। अब मुझे बताओ ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है? अभी तो हमने आपको बताया जो एक पर्सन किसी कंट्री में एक साल या उससे ज्यादा रह रहा है, बट क्या सर वो सिटीजन ही होना चाहिए? ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, वो सिटीजन हो भी सकता है और नहीं भी। कह रहा है मे और मे नॉट बी अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो है पर्सन रिजाइडिंग इन ए कंट्री फॉर वन और मोर ईयर, इट मे बी अ रेजिडेंट यानी सिटीजन और नॉन सिटीजन। आई बात समझ में? वो दूसरी कंट्री का भी हो सकता है, अगर वो हमारे कंट्री में एक साल या उससे ज्यादा रहा है तो वो भी मेरा नॉर्मल रेजिडेंट ही कहलाएगा। ओके सर, ये बात भी हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब सर हमें बताओ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? बेटा इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना जरूरी है। अगर कोई पर्सन अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी उस कंट्री में कर रहा है, सर वो इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक हमारी एक्टिविटी तीन, या तो वो प्रोडक्शन कर रहा होगा, या कंजम्पशन कर रहा होगा, या इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी या तो प्रोडक्शन हो गई, या वो मेरी कंजम्पशन हो गई, या वो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई है। बेटा ए पर्सन डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, इट मींस हैविंग एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री। बात समझ आती है? और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्री फोल्ड है, मेरी या तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? सर यहां तक भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। सर बहुत इजी है ये तो? बेटा इजी है, बट आपकी कंसंट्रेशन, आपका पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है हमें नेशनल इनकम को समझने में। सर वो तो हमारा आपके साथ रहेगा, बट सर ऐसा करा देना कि हमारा इसमें क्या, पूरे मैक्रो में क्या, पूरे इको में भी एक सिंगल मार्क्स ना कटे। बेटा आपको प्रॉमिस है मेरा, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरा प्रॉमिस है इको में 100 आपके हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए सर। सर एग्जांपल दो फिर। अब ये मेरा पर्सन है कौन जो नॉर्मल रेजिडेंट है? बेटा सीधी सी बात करते हैं, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। वो इंडियन जो हमारे देश में जो एम्बेसीज होती है ना, फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है वो। सेकंड, इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। कोई इशू नहीं है सर, ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है। अगला देखो कितना इंपॉर्टेंट है, फॉरेन सिटीजंस लोकेटेड इन इंडिया फॉर 1 ईयर और मोर। बेटा डेविड वॉर्नर हमारे देश में घर लेने की बात कर रहा था। बेटा एक बात बताओ, अगर डेविड वॉर्नर जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है वो एक साल और उससे ज्यादा रह गया तो क्या वो भी नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा? यस, हमारा डेविड वॉर्नर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। बट दो लोग हैं जिसको हम बोल रहे हैं कि वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेंगे इवन अगर वो एक साल से ज्यादा भी रहे हैं। कौन? जो स्टडी के लिए आए हुए हैं, फॉर स्टडी, या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। स्टडी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, ये दो हमारे एक्सेप्शन बन जाएंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जांपल्स भी आपने देख लिए। ओके सर, अब बात करते हैं हमारी डोमेस्टिक इनकम की। डोमेस्टिक इनकम है क्या? बेटा डोमेस्टिक इनकम को हम बोलते हैं NDPHFC। क्या बोलते हैं? NDPHFC। आप ये सीखने वाले हो, इन्हें बोलते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम या एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। 8 एग्रीगेट्स होते हैं, और इतने इंटरेस्टिंग वे में ऐसे याद करा दूंगा ना और खुद बनाना सिखा दूंगा। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, आप खुद बना पाओगे सारे फॉर्मूले, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। बट आप जुड़े तो रहिए, पूरी वीडियो को
एंड तक देखना कितना इंटरेस्ट आने वाला है आपको, ठीक है। तो बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की। बेटा वही डोमेस्टिक इनकम, बट एक एक वर्ड को याद रखना, एक एक वर्ड को समझना इसमें कि डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम क्या है और दोनों एक दूसरे से अलग है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। कह रहा है द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ऐसी फैक्टर इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही अर्न की गई है वही बनेगी मेरी डोमेस्टिक इनकम। बट सर ये अर्न कौन करेगा? बाय या वो नॉर्मल रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी ने भी, मेरे नॉर्मल रेजिडेंट ने या बाहर की कंट्री से आए हुए पर्सन ने भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है तो वो बन जाएगी मेरी डोमेस्टिक इनकम। द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इसे बोलते हैं हम NDPATFC। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम इसी चैप्टर में समझने भी वाले हैं। चलिए सर फिर आप बताइए नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम को हम बोलते हैं NNPATFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसे बोलते थे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एट FC यानी फैक्टर कॉस्ट। आराम से समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बस बताने के लिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, डिनोट कर दिया, इससे ज्यादा अभी इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। थोड़ी देर में इसी चैप्टर में ही आपको समझ आ जाएगा ये कुत्ता क्या है। कह रहा नेशनल इनकम क्या है, कह रहा द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, द कॉमन पॉइंट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ये भी वही है, अर्न्ड बाय ओके भाई नॉर्मल रेजिडेंट। वहां पे हमने दोनों रेजिडेंट लिए थे, नॉर्मल और नॉन रेजिडेंट, बट नेशनल इनकम वो इनकम है जो नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की है ऑफ द कंट्री इन, कहां पे चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या उसके बाहर हो, ठीक है। हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, हमारे देश में अर्न कर रहा है या बाहर जाके अर्न कर रहा है, वो नेशनल इनकम बन जाएगी। सर ऐसा भी होता है बेटा, मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है आज तो, कि नेशनल इनकम से खूबसूरत इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। जितना डेप्थ में जाओगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। सर ठीक है आप प्रॉमिस कर रहे हो तो हम मान लेते हैं। सो आपको समझ आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किए जाने वाली फैक्टर इनकम, चाहे वो रेजिडेंट ने की हो या नॉन रेजिडेंट ने की हो, ठीक है। बट नेशनल इनकम वही फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड, चाहे टेरिटरी में हो चाहे उसके बाहर हो, वो बन जाती है मेरी नेशनल इनकम। ओके चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं तो मेरी पॉलिटिकल बाउंड्रीज यानी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स को मैं बोलता हूं मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। जो मतलब इंडिया का मैप के बाहर आपने देखा होगा या पाकिस्तान या श्रीलंका उठा लो, वो जो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरीज बनी हुई है ना, ठीक है, देश की गवर्नमेंट्स ने जो बनाई है वो हो जाती है मेरी पॉलिटिकल टेरिटरी, तो नॉर्मली वो होती है। बट इकोनॉमिक्स में वो होती है इकोनॉमिक टेरिटरी। सर अब ये इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, ठीक है, पहले तो ये समझ लो कि इकोनॉमिक की टर्म्स में डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो इकोनॉमिक टेरिटरी है। और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, ये देखो ये वो जियोग्राफिकल टेरिटरी है जो गवर्नमेंट ने एडमिनिस्टर की है, जहां पे हम पीपल गुड्स और कैपिटल को फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। बात याद रखना किस किस को, पर्सन्स को, ठीक है, और गुड्स को और कैपिटल को फ्रीली सर्कुलेट किया जा सकता है, उसे बोलते हैं हम अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या कह रहा है, इट इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल, ठीक है, सर्कुलेट फ्रीली, जिसे हम फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, आई बात समझ में, वो बन जाती है मेरी इकोनॉमिक टेरिटरी और वही मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में? हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ आई। सो दिस इज द जियोग्राफिकल बाउंड्री एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट वेयर विद इन विच द पर्सन गुड्स और कैपिटल कैन बी फ्रीली सर्कुलेट। चलिए सर आगे बताइए एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। आई बात समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट या टॉपिक कह सकते हो ऑफ नेशनल इनकम। आई बात समझ में? बिल्कुल ईजी, लोगों को डर लगता है इतने सारे फॉर्मुलेज हैं कैसे होंगे कुछ नहीं पता, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको विद इन नेक्स्ट 10 मिनट समझ आ जाएगा कि ये एग्रीगेट्स क्या है। और मैं आपको बता रहा हूं हमारे एग्रीगेट्स होते हैं
आठ आठ एग्रीगेट्स हैं, समझना क्या होता है आपको, बस एक याद रखना है 22nd of December 22/12 बहुत इंपॉर्टेंट है ये 22/12 की कहानी आपको जाननी है, 22/12 की कहानी, तो इंतजार किस बात का, आइए बात करते हैं 22/12 की कहानी। आपको मैं एक बात बताता हूं, 2212 आपको बस चार चीजें याद करनी है, 2212 वैल्यू इनकम प्रोडक्ट कॉस्ट, ये चार चीजें वैल्यू इनकम प्रोडक्ट कॉस्ट, दो वैल्यू दो इनकम एक प्रोडक्ट और दो कॉस्ट, वैल्यू दो कौन सी, ग्रॉस एंड नेट, इनकम दो कौन सी, डोमेस्टिक एंड नेशनल, प्रोडक्ट एक ही है, कॉस्ट दो कौन सी, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस एफसी एंड एमपी, इनसे मिलके हमारे आठों एग्रीगेट बन जाएंगे। आपको बस याद रखना है दो वैल्यू दो इनकम एक प्रोडक्ट और दो कॉस्ट, दो वैल्यू कौन सी, हमारी ग्रॉस और नेट, दो इनकम कौन सी, हमारी डोमेस्टिक और नेशनल, प्रोडक्ट एक ही है, दो कॉस्ट कौन सी, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, इसी से मिलके बनाएंगे हम आपके लिए क्या, हमारे आठों एग्रीगेट्स। तो बात करते हैं सर ये जो दो वैल्यू हैं एक दूसरे पे जाने के लिए हमें क्या करना है, इनकम से एक दूसरे पे जाने के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट एक ही है, कॉस्ट पे कैसे करना है, बट उससे पहले जानते हैं हमारे आठों एग्रीगेट्स। आठ एग्रीगेट्स कौन से है बेटा, आप वैल्यू ग्रॉस से उठा लो या नेट से उठा लो, आपको बस इन फैक्टर्स को जो हमने बात की ये वैल्यू इनकम प्रोडक्ट और कॉस्ट को मर्ज करना है। आइए पहले बात करते हैं वैल्यू में मैंने उठाया ग्रॉस, ठीक है, उसके बाद हमने बात की डोमेस्टिक, इनकम से उठाया हमने डोमेस्टिक, प्रोडक्ट हमारा एक ही है, कॉस्ट से उठाया हमने एफसी, तो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। ओके सर आइए वापिस चलते हैं, मैंने सेकंड बात की, मैंने फिर से उठाया ग्रॉस, इनकम से इस बार उठा लिया मैंने नेशनल, प्रोडक्ट मेरा वही है, वही मेरी कॉस्ट एफसी, तो मेरा सेकंड प्रोडक्ट बन गया मेरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे मैंने बोला जीएनपी एट एफसी। चलिए सर वापिस चलते हैं, इस बार बात करते हैं हम अपनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी की, अब हमने कॉस्ट को चेंज करना है, इसको चेंज करना है कॉस्ट को चेंज कर देते हैं, कॉस्ट को चेंज करने के बाद सर क्या बना हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। सर फिर तो एक और हमें याद आ रहा है कि इसी के नेशनल वाले इनकम वाले पार्ट को हम कॉस्ट में चेंज करेंगे तो वो भी बन जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। हां जी सर, तो चार एग्रीगेट्स तो ये हो गए बेटा, देखो चार ये हो गए जो कि ग्रॉस वैल्यू के है, तो चार नेट के भी हो जाएंगे ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। हां जी सर, लो फिर कर दो यहां पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। बेटा और अभी मैंने आपको बताया था ना कि डोमेस्टिक इनकम, ये रही हमारी डोमेस्टिक इनकम, ये रही सर हमारी नेशनल इनकम, क्या है ये मेरी नेशनल इनकम, इसलिए मैंने आपको वहां रोका था क्योंकि ये एग्रीगेट से आपको यहां मिलने वाली है। आई बात समझ में? हां जी सर समझ आ गई। बट सर अब जो हमारे मेन फॉर्मूलेज हैं वो एक दूसरे से कैसे मिलके बनेंगे वो भी तो बताओ। बताएंगे ना, किसने मना किया, आपने अभी एग्रीगेट बनाना सीखा है, अब एक दूसरे पे कैसे जाया जाता है एग्रीगेट, कैसे कंप्यूट किए जाते हैं, इनके फैक्टर्स क्या हैं, सब जानेंगे हम, पहले ये तो पढ़ो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।